गाजियाबाद में एसएसपी सुधीर कुमार का ऑपरेशन क्लीन जारी है। पुलिस चेकिंग के दौरान बाइक सवार दो संदिग्ध युवकों को रोकने के इशारे पर फायरिंग कर भागने लगे। वहीं पुलिस ने घेराबंदी कर जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। वहीं घायल बदमाश की पहचान 15,000 इनामी रईस के रूप में हुई है। बदमाश का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक तमंचा बाइक बरामद भी की है। सर, ये जो आज मुठभेड़ हुई है, सर क्या मामला है? आज शाम को लगभग 7 बजे चेकिंग के दौरान यहाँ पर मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश जिसका नाम रईस है, जिसको लगभग एक दर्जन मुकदमे दर्ज थे, टोंडका सिटी थाने से वांछित चल रहा था, उसके ऊपर 15,000 का इनाम था, वो पकड़ा गया, घायल हुआ, उसको अस्पताल भेज दिया गया। दूसरा साथी की तलाश की जा रही है, मोटरसाइकिल बरामद हुई है। सर, अपराधी का इतिहास क्या है सर उसका? लगभग एक दर्जन मुकदमे दर्ज हैं लूट और चोरी के। एक मुकदमा अगस्त में वांछे चल रहा है, जो टोंडका सिटी में लिखा गया लूट का मुकदमा। सर, बरामद क्या क्या हुआ है? इससे हथियार बरामद हुआ, तमंचा बरामद हुआ, मोटरसाइकिल को चेक किया जा रहा है, लूट की है या चोरी की। सर, कितने हज़ार का इनामी है? ये 15,000 का इनाम है।